बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकम। बहुत ज़माना पहले वियतनाम में एक जज्बाती लड़की भी बचपन ही में उसकी माँ मर चुकी थी। उसकी परवरिश मोहल्ला की एक बूढ़ी औरत कर रही थी। उसका बाप ताजर था, इसलिए ज़्यादातर घर से बाहर ही रहता था। माँ के मर जाने और बाप के साथ ना रहने की वजह से वो कुछ बेपरवाह, अल्लड़ और शोखी हो गई थी। उसका बाप साल भर में सिर्फ चंद दिनों के लिए मौसम बहार में घर आता था। उसकी लड़की अब होश गोश की हो गई थी और दिन भर कपड़े बुनती रहती थी। शाम को वो दरिया की लहरों पर खाली अलजेन होकर निगाह डाला करती थी। एक रोज़ जब वो मकान के दरवाजे पर खड़ी हुई थी तो उसे बाग में पत्ते खिड़कने की आवाज़ आई। उसने देखा कि उसके बाप का सफ़ेद घोड़ा अस्तबल से निकल आया है। घोड़े को देखकर लड़की को बाप की याद आ गई। घोड़े के पास पहुंचकर जो ही बेपरवाही से बोली कि अगर तुम मेरे वालिद को ढूंढकर उन्हें मेरे पास ले आओगे तो मैं तुमसे शादी कर लूँगी। उसके बाद ही घोड़ा एक तरह रवाना हो गया और वो मुसलसल 3 दिन और 3 रात जंगलों और पहाड़ों में चलता रहा। फिर वो एक पहाड़ी के करीब सराय के पास जाकर रुका और ज़ोर से हिनहनाया। एक ताजर जो हकीकतन लड़की का बाप था और सराय में बैठा शराब पी रहा था, घोड़े की आवाज़ सुनते ही प्याला फेंक कर बहर आया। घोड़े को देखकर उसे यह अंदेशा हुआ कि घर में कुछ ना कुछ हादसा हुआ है। अपने मालक को देखकर घोड़ा खुशी से दुम हिलाने लगा और हिनहिनाने लगा। इसके बाद मालक के साथ ही वो घर की तरफ चल पड़ा। घोड़े के साथ बाप को देखकर लड़की की खुशी की कोई इंतहा ना रही, मगर वो इस अरसा में ये भूल गई कि उसने घोड़े से क्या वादा किया था। घोड़ा उसी रोज से बीमार पड़ गया और अस्तबल में पड़ा रहा। वो ना तो खाता था और ना ही उसे नींद आती थी। वो अपनी गमगीन और उदास आंखों से अस्तबल में बैठा बैठा लड़की के तमाम हरकत और सिकनात को देखता रहता था। जब कभी लड़की पास से गुजरती तो घोड़ा खास अंदाज से आह भरता, लेकिन लड़की के दिल में उसका कोई असर ना होता था। जब घोड़े की हालत दिन ब दिन ख़राब होने लगी तो लड़की के बाप ने अपनी बेटी से इसके बारे में पूछताछ की। लड़की ने पूरा वाक़ा उसे बता दिया। वाक़ा सुनकर बाप सख्त हैरत ज़दा और परेशान हुआ। उस गरीब जानवर का कुछ ख्याल किए बगैर उसने अपना तीर कमान संभाला और घोड़े को मार दिया। उसने घोड़े का चमड़ा निकलवा कर पास की झाड़ी पर रख दिया। उसके बाद ताजर अपने सफ़र पर यह कहकर रवाना हो गया कि वो घोड़े के चमड़े को रोज़ धूप में सुखाया करे ताकि कुछ दिनों के बाद वो काम का हो जाए। एक दोपहर जबकि लड़की घर में कपड़े बुन रही थी, एक तूफ़ान आया। वो चमड़ा उठाने के लिए झाड़ी की तरफ बेजारी से ये कहती हुई दौड़ी कि नापाक चीज़, तुम्हारी वजह से मुझे परेशानी होती है। मेरा तो जी चाहता कि तुझको तालाब में फेंक दूँ। जैसे ही उसने आखिरी अल्फाज अदा किए, चमड़ा खुद ब खुद उठकर और इस लड़की को लपेट कर आसमान की तरफ उड़ गया। कुछ वक्फे के बाद वो बिर के दरख्तों के पास रेशम के एक कवे की शक्ल में उतरा जिसके अंदर रेशम का एक कीड़ा मौजूद था।